प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमको प्रधानमंत्री मत बनाओ, हमको चौकीदार बना दो। ऐसा चौकीदारी किए कि बैंक बैंक खाली हो गया और नोटबंदी साबित हो गया कि सबसे बड़ा घोटाला था। अभी जो इन्होंने कल जो पेश किया है मोदी जी ने, यह माना है कि नोटबंदी से बिहार को भारी नुकसान हुआ है। वो भी हम लोग समय पे किताब दिखा देंगे। वो कौन सा किताब था जो कल पेश किया? मतलब सुशील मोदी जी अपने प्रधानमंत्री की बुराई कर रहे हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के किताब में पेज नंबर 4 पढ़ लीजिएगा, सुशील मोदी जी खुद मान रहे हैं कि नोटबंदी से बिहार को नुकसान हुआ, यानी उनके प्रधानमंत्री ने बिहार का नुकसान किया, खुद पेश कर रहे हैं। अरे कम से कम पढ़ तो लेते, उन्होंने देखा नहीं होगा ऐसे पेश कर दिया होगा, वो अलग बात है। लेकिन महोदय नीरव मोदी भाग गए, हमारे चौकीदार साहब विदेश रहते हैं या तो चुनाव प्रचार में रहते हैं, विजय माल्या भाग गए, आपके ललित मोदी भाग गए, कोटारी भागेंगे, और भी पता नहीं पूंजीपतियों के कितने लोन जो है वो बकाया है, और हमको शंका है यहाँ के डिप्टी सीएम भी भाग जाएंगे, डिप्टी सीएम भी भाग जाएंगे, इनका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए। ये स्टेटमेंट है, सबूत है, बिना देखे बिना तथ्य के हम लोग आरोप नहीं लगाते। आपका सीबीआई क्या जांच कर रहा है आप जानते हैं, किसके दबाव में जांच करता है हम लोग जानते हैं, नीतीश जी पे क्या दबाव है हम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से बात को सुनिए, सच को जानना चाहिए और नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए, नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, हमेशा प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो आप लोगों ने मापदंड जो तय किए हैं महोदय, जो झूठे मुकदमे में फंसाना ये करना, तो आप लोग को क्या लग रहा है अभी हंसी आ रही है, बाद में रुलाई आएगी भविष्य में? अभी रुकिए ना, अभी जेल यात्रा में चलिए, आप बैठिए, आप बैठिए, अपनी चिंता करो, दूसरे की चिंता चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। महोदय काला धन लाने की बात थी, यहाँ से तो सफेद धन ही विदेश जा रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं। काला धन लेके आएंगे, स्विस बैंक से लेकर के आएंगे, यहाँ सफेद धन बाहर जा रहा है। महोदय बताइए किस प्रकार की चौकीदारी की? शराबगी जी यहाँ जब बैठे हुए रहते थे, हम लोग वहाँ बैठे रहते थे, तो बोलते थे शमशान की घेराबंदी होनी चाहिए, शमशान की घेराबंदी। क्या हुआ शमशान बजट में? बजट में शमशान क्या हुआ? क्या हुआ? हिंदू मुसलमान दंगा कराना, कम्युनलाइज करना सोसाइटी को, आज क्या हुआ? अपने एजेंडे से पीछे भाग गए। हाँ मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, बात करते थे मुख्यमंत्री जी समीक्षा यात्रा में गए, बड़ी अच्छी बात है। हमारे विधायकों की जो पहली समीक्षा में जो समस्या थी, वो तीसरे समीक्षा में भी वही समस्या रही, कोई समाधान नहीं हुआ, सेम प्रॉब्लम एज इट इज। समीक्षा किस बात की? सिर्फ दिखाने के लिए कि हम बिहार में घूमते हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हमको सब कुछ समझ में आता है, और सारे अधिकारियों को हम ही ठीक कर सकते हैं और दूसरा कोई ठीक नहीं कर सकता? आप देखिए उर्वशी मोदी, ये उनके खाता है, खाता है आपका इंडियन बैंक का, ब्लॉक कैंपस का है ये महोदय, त्रिसम भवन सबौर का, और ये अकाउंट नंबर है 8227266685। करोड़ों रुपए मोदी जी जो आपके वित्त मंत्री हैं, जो आपके डिप्टी सीएम हैं और जो आपके नेता हैं, उनके खाते, उनके बहन के खाते में और उनकी जो भी रिश्तेदार हैं उनके खाते में करोड़ों रुपए गए हैं, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। और दुर्भाग्य है हमारे बिहार का कि फिर से वो सत्ता में आए हैं चोर दरवाजे से और बिहार का बजट पेश कर रहे हैं। शर्म करना चाहिए, शर्म करना चाहिए नीतीश कुमार जी पर कि अंतरात्मा अब नहीं जाग रही है। क्यों नहीं जाग रही? हम पे केस मुकदमा कराते हो, जब 13-14 साल के थे तो हम पे आरोप लगाया जाता कि हम भ्रष्टाचारी, जब हम क्रिकेट खेलते थे स्कूल में थे, मूछ नहीं था तो हम भ्रष्टाचारी करते थे, कोई सबूत मिला नहीं, अब तक चार्जशीट भी नहीं हुआ। महोदय चार्जशीट होगा, तब होगा जब इलेक्शन आसपास होगा, तब चार्जशीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। 50 साल राजनीति करेंगे, 50 साल की राजनीति करेंगे, आपके नेता तो 5 साल ज्यादा से ज्यादा, कुछ लोगों की कृपा से 5 साल, और हमको तो नीतीश चाचा का चिंता होता है कि आप लोगों के फेरा में धरा गए, अब भतीजा है
तो चाचा को चिंता तो होगी ना भतीजा को, अब उनके साथ इतना आप लोग कष्ट देने का काम कर रहे हैं, हम उनके साथ काम किए हैं 18 महीने काम किए हैं, हमको चिंता रहती है, लेकिन सरासर सत्ता के लालच में, कुर्सी के लालच में कम से कम अपना जमीर को नहीं बेचना चाहिए। और एक जो मेहनत करके जो ईमानदारी से जिसने काम किया कम से कम उसका भी बखान कर देना चाहिए। अभी नंदकिशोर जी और सुशील मोदी जी भाषण दे रहे थे, पथ निर्माण मंत्री ये पहले भी थे, अभी भी बने, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अब तक आप बताइए दाऊद नगर नासरीगंज का फ्लाईओवर पूरा नहीं हुआ, गरौल बिरौल नहीं हुआ। अगर हम रहते हमने 2 महीने के बाद का टारगेट फिक्स कर रखा था, 1 साल पहले हमने बता दिया आरा छपरा का पुल का उद्घाटन 11 जून को करेंगे, सोनपुर का जो जेपी सेतु है उसका 11 जून को करेंगे, और उस दिन हम लोगों ने उद्घाटन किया, सारे प्रोजेक्ट्स को हमने टाइम लाइन पे लाने का काम किया। लेकिन आप बता दीजिए जो कच्ची दरगाह से लेकर के जो हम लोगों ने जो मापदंड तय किए थे वो 2019 के अंत तक 4 साल का समय मांगा था, हमको याद है, मौत अभी पूरा हो जाने, आप बोल दीजिए सरकार के उत्तर में बोल दीजिएगा, सरकार के उत्तर में बोल दीजिए। और नाम लेते मैं कुछ आप मंत्री हैं, आप मंत्री हैं तो नाम नहीं लेंगे, आप पथ निर्माण मंत्री हैं ना, कच्ची दरगाह का पुल का से आपको है क्या, आपको पता है हम प्रोजेक्ट पता है कच्ची दरगाह का प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है, मालूम है आपको, फाइल पढ़ते हैं। अरे कुछ बोलने के लिए नहीं बस खड़े होना है, नेता विपक्ष बस खड़ा होना है, बोलिए प्रतिपक्ष जी, मैं बात करना चाहता हूं, नहीं हम सुनेंगे और हमारी बातों को भी आप सुने, मैं सुन रहा हूं, हम सुन रहे हैं, बस बोलिए मेरी बात, जब इधर से लोग बोलते हैं आप लोग टोकते हैं कभी, अरे समय अबे आप आइए ना बिंदु पे, आप आइए ना, आप आइए ना, आप टॉपिक पे बात कीजिए ना, विषय पे बात कीजिए, कहां बात कीजिए टॉपिक पे, विषय पे कहां बात कर रहे हैं भाई, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, क्या बोल रहे हैं, इस पे बोलिए, इस पे बोलिए, ये गलत है, लेकिन सुना करिए, क्या सीबीआई जांच हुई है, क्या सीबीआई जांच हुई है, क्यों होगा, जैशा का जांच होगा, जैशा का जांच होगा, इसकी जांच होगी, चलिए ठीक है, आप चलिए महोदय बोलिए, चलिए ये हमने दिखा दिया, हम चाहेंगे कि इसको आप लोग रिकॉर्ड में लाए, हम इसको सबमिट भी करना चाहेंगे, हम भिजवा भी देंगे, लेकिन महोदय जो डबल इंजन की सरकार है बिहार में, भले ही चोर दरवाजे से ये लोग आए हैं, लेकिन बड़े अरसे बाद सेंट्रल में और स्टेट में एक ही अलायंस का गवर्नमेंट है, हम लोगों को उम्मीद थी, नीतीश कुमार जी भी काफी लगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, स्पेशल स्टेटस मिले, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी मानना है कि जब तक पिछड़े राज्य जैसे बिहार तरक्की नहीं करेंगे तब तक हमारा हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता, हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। जब बिहार को देने की बारी आती है तो स्पेशल पैकेज का क्या हुआ, क्यों अरुण जेटली ने जो बजट पेश किया था उसमें बिहार को ठगने का काम किया, स्पेशल पैकेज का जो बोली लगाई गई थी प्रधानमंत्री चुनाव में आके कहते थे 70,000 करोड़ रुपए दूं या 80,000 करोड़ रुपए दूं, 90,000 करोड़ रुपए दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया, एक पैसा बता दीजिए अगर आया हो तो, एक पैसा दे बता दीजिए, बार को लेकर के बीआरजीएफ फंड 60-40 हो गया, पहले कई योजनाओं में क्या था 85 और 15% देना पड़ता था, 15% 85% था, अब बोझ ये नई सरकार आने के बाद बोझ हो गई है, कम से कम लोगों को तो उम्मीद थी चलो बेईमानी से ही सरकार बना लिया, धोखा देकर के बनाने का काम किया, इतनी देर और बोलना महोदय जब तक खत्म नहीं हो जाए, हम लोगों को तो 79 मिनट है समय है, तो आज का सदन महोदय अभी थोड़ा आप वही हम पूछ रहे थे, हम आप ही की सुविधा के लिए सदन थोड़ा थोड़ा बोल बढ़ाने के लिए ही पूछ, आप बढ़ा लीजिए थोड़ा, ठीक जब खत्म करेंगे वो आगे का समय काट लीजिएगा, लेकिन महोदय बिहार को विशेष पैकेज नहीं मिला, बाढ़ आया 18 से 19 जिलों में बाढ़ आया, और प्रधानमंत्री आते हैं भले ही लंच पटना में कैंसिल कर देते हैं, वजह क्या है हम नहीं बता सकते, लेकिन जब पूर्णिया या और भी सीमांचल के इलाकों में या कोसी के इलाकों में जब बाढ़ आई तो उन्होंने दौरा किया, उन्होंने घोषणा किया था कि बाढ़ पीड़ितों को 500 करोड़ का पैकेज देंगे, एक पैकेज का अब तक पैसा नहीं आया, मवेशियों का जो नुकसान हुआ है ग्रामीणों को उसका भुगतान नहीं हुआ है, जो फसल जो खेती बाड़ी में जो नुकसान हुआ है किसानों को उसकी भरपाई नहीं की गई है, पता है एक परिवार जो 6,000 रुपए मिलने चाहिए थे उन परिवारों को अभी तक पूरी तरीके से काफी लोगों का नाम छूटा गया और काफी बड़ी धांधली हुई है राहत को ये राशि को वितरण में, महोदय तो कहां गया डबल इंजन, किस बात के लिए आप लोग कहते हो,
आप एक साधारण सी ट्रेन को 50 की स्पीड में नहीं चला पाते हो, रेलवे बजट गायब हो जाता है।